व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप सब लोगों ने मेरे को काफ़ी परेशान कर दिया था टेक्स्ट करके, DMs में या फिर लाइव स्ट्रीम पे या वीडियोस पे कमेंट, जिसको देखो सेम ही सवाल हम कैसे खेलें। तो गाइस, अब मैं इस वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ चीज़ों का, कैसे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, एंड होपफुली आप लोग इस बार वाले बेटा में अप्लाई करके खेल पाएँ। तो गाइस, बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए आपके कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहले तो मैं दो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहला लिंक होगा आपका एक ऐप का, दूसरा लिंक होगा फॉर्म का, ठीक है। तो जो ऐप है बेसिकली इसे आपको डाउनलोड करना है, इस ऐप के अंदर आपको अकाउंट बनाना है, एंड देन आप लोग इस बेटा रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा, चाहे आप ऐप के अंदर नेविगेट करके पॉपअप वैलोरेंट का ढूंढ के भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म में आपके बेसिक क्वेश्चनरीज होती हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं गेम रिलेटेड, जो कि कोई भी आंसर कर सकता है। उन क्वेश्चंस का जब आप आंसर दे दोगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहाँ पे शायद वी चैट या QQID मांगेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपके पास एक वी चैट या QQID होनी चाहिए। दिस इज़ लाइक द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए। बाकी चीज़ें शायद आप फिर भी अरेंज कर पाओ, बट बेसिक QQID और वी चैट ID तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप गेम में लॉगिन करते हो तो QQ WeChat ID मांगता है गेम लॉगिन के लिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा चाइनीज़ फ़ोन नंबर। मैं श्योर नहीं हूँ इस वाले बेटा में चाहिए नहीं, मोस्टली चाहिए होगा। लास्ट टाइम के बेटा में चाइनीज़ फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट थी, और वो फ़ोन नंबर बेसिकली इसलिए था कि जो लोग बीटा टेस्टिंग के लिए सेलेक्ट हो जाएँ उनको Tencent या Riot से एक फ़ोन नंबर में मैसेज आता था कि आप बीटा टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुके हो, और बेसिकली गेम का डाउनलोड लिंक उस फ़ोन नंबर पर आता था। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़रूरत है चाइनीज़ फ़ोन नंबर की, नॉट नेसेसरली आपके पास हो, बट एक चाइनीज़ फ़ोन नंबर का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि गेम के डाउनलोड लिंक तो आप बाद में भी अरेंज कर सकते हो अगर आप सेलेक्ट होते हो। आपका अकाउंट सेलेक्ट होता है बेसिकली, जिससे आप QQ WeChat से जिससे अप्लाई करोगे, तो गेम आपके पास ज़रूरी नहीं है लिंक आपको उस फ़ोन नंबर के थ्रू मिले, लिंक आप कहीं और से भी अरेंज करके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते बेटा एक्सेस के लिए, आपके अकाउंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप गेम एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। आपकी ID जब तक Riot रजिस्टर नहीं करेगा डेटाबेस में, तो आप गेम खेल ही नहीं पाओगे। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह है चाइनीज़ ID कार्ड। अब चाइनीज़ ID कार्ड क्यों चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये गेम खेलने के लिए चाहिए। चाइना में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसकी वजह से 18 साल के नीचे वाले बच्चों को गेम्स नहीं खेलना अलाउड होता है, या बहुत कम टाइम के लिए अलाउड होता है। तो इसीलिए आपकी जो गेम ID होगी, या जो WeChat ID होगी, या जो QQ ID होगी, उसमें आपका एक ID कार्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाइनीज़ ID कार्ड, और वो 18 साल से ऊपर वाले का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आप ये सब चीज़ें कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। आई होप आपके पास एक WeChat QQ हो, बेसिक रिक्वायरमेंट। चाइनीज़ ID कार्ड और चाइनीज़ फ़ोन नंबर जहाँ तक मैंने देखा है जो लोग अप्लाई कर रहे थे, मेरे पास तो सोर्सेज थे तो मैंने उनके थ्रू अरेंज कर दिया था। सोर्सेज आपके पास भी हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई रिलेटिव हो जो चाइना में काम करता हो, या आपका कोई फ्रेंड का रिलेटिव, या कुछ भी ऐसा कोई तरीका हो जो चाइना में काम करता हो, तो उनका फ़ोन नंबर आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग जो हैं डार्क वेब से चीज़ें निकाल रहे थे, मुझे नहीं पता वो कैसे एक्सेस कर रहे थे, बट लाइक लोगों के पास एक्सेस था डार्क वेब से, उन्होंने चाइनीज़ ID कार्ड और चाइनीज़ फ़ोन नंबर जुगाड़ में निकाल दिया था। तो आप लोग भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें आप अरेंज करें। एंड आई थिंक बेटा रजिस्ट्रेशन कुछ एक दो दिन के लिए ही खुला रहता है, एक दो दिन में काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, एंड होपफुली अगर आप लकी हो और आप सेलेक्ट होते हो इस बेटा में, तो आप भी ये गेम एक्सेस कर पाओगे और आप ये गेम खेल पाओगे। ऑल्सो ये बेटा जो है दिसंबर 12 तारीख तक चलेगा, तो अभी काफ़ी टाइम है, बेसिकली 2 महीने से ऊपर ये बेटा चलने वाला है। सो मेक श्योर आप इस बार वाले स्लॉट में ज़रूर रजिस्टर करें। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ हेल्प हो सकती है जो मैं कर पाऊँ, तो आप मेरे को DM कर सकते हो मेरे Instagram पे, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूँगा।
剩一次击败。